इस ब्लॉग में हम पांच दोस्त हैं जो पहली बार कहीं लॉन्ग टूर पे जाने की सोचते हैं और सबके मन में यही ख्याल होता है कि जाए तो जाए कहाँ। आखिर सब लोग ये सोचते हैं कि चलते हैं पटना और गाड़ी पकड़ते हैं पटना के लिए और चले जाते हैं राजगीर। और आपको पता ही होगा कि सब दोस्तों के साथ कहीं जाने के बाद क्या मजा होता है। तो इस पल को कुछ वीडियो में रिकॉर्ड किया है, तो आप इसे एंटरटेनमेंट पर्पस से ही देखें। और हाँ, थोड़ा कहीं कहीं बोरिंग भी लग सकता है, पर वीडियो को पूरा जरूर देखें। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप सभी लोग? तो गाइज, अभी हम लोग आए हुए हैं राजगीर घूमने के लिए। सब लोग बाप को मत सिखा, चल। शिवम, दिनेश, दीपक, सचिन, सब लोग। अभी मॉर्निंग का टाइम है, कितना? 6 बजे है ना। तो अभी 6 बजा है, हम लोग पहले जाएंगे जू सफारी। अच्छा, हमको सिखा रहा है घूमने के लिए। तो ब्लॉग में बने रहिए, सारा चीज आपको दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं और पहले यहाँ से ऑटो ऑटो पकड़ते हैं और फिर वहाँ चलते हैं। तो ये है दोस्तों राजगीर स्टेशन, जो कि आप देख सकते हैं मॉर्निंग के टाइम में बहुत ही ज्यादा प्यारा व्यू आता है यहाँ से। और आप इस साइड में देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू आ रहा है। ये मेरा ये है फ्रेंड शिवम कुमार चौरसिया, इसके साथ हम लोग आए हुए हैं क्लास भी देखने के लिए जा रहे हैं, राजगीर जा रहे हैं क्लास भी देखने के लिए। ऑटो में याद है क्या, सचिन कुमार जो ड्राइवर के रूप में भूमिका निभा रहा है बहुत अच्छे से, क्लासी के रूप में ड्राइवर के नहीं। देखिए एकदम पूरा मैं देख रहे थे, इधर देखिए यहाँ से दिखाई देगा पार। सो गाइस, हम लोग अभी ऑटो में बैठ चुके हैं और इधर दो आदमी पीछे, दो आदमी आगे और सचिन है उधर कब्जे में। बहुत ही मजा आ रहा है, मॉर्निंग का टाइम है और पूरा सनराइज हो चुका है। और इधर आप देख सकते हैं पूरा पहाड़, यहाँ पे बहुत सारे बंदर। जय हो। तो गाइस, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं डेस्टिनेशन पे और यहीं पे टिकट कटता है। तो सबसे पहले तो नंबर में लगना होगा। दीपक जा रहा है लाइन में लगने और सचिन, और नंबर लगाने के बाद कितना टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पे हो चुका है। ये आप देख सकते हो कितना ज़्यादा भीड़ है। तो गाइस, अभी हम लोग अंदर में आ चुके हैं और यहीं पे लाइन लगना होता है और यहीं पे आपको टिकट मिलता है। और जो मतलब 8 बजे के बाद ही ओपन होता है, बिकॉज आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ है। और ये पूरा ग्राउंड है जहाँ पे आप गाड़ी को पार्क वार्क कर सकते हैं। तो पहले टिकट लेते हैं, फिर वो आपको अंदर चल के फिर दिखाते हैं आपको। और बहुत ही ज़्यादा भीड़ है इस टाइम, आप देख ही सकते हैं। अभी ने हम लोगों के पास बहुत ही ज़्यादा टाइम है, तो हम लोग अभी चलते हैं विश्व शांति स्तूप की ओर, क्योंकि टिकट का जो टाइम है हम लोगों का 3 बजे शाम में नेचर सफारी के लिए। तो अभी हम लोग जो है टांगी से जाएंगे विश्व शांति स्तूप। तो चलिए चलते हैं। सचिन, घोड़े की सवारी, घोड़े की सवारी। जय श्री राम, बम बम महादेव। यात्रीगण कृपया ध्यान दे, अपने सामान की सुरक्षा खुद ही करे।
बहुत बढ़िया, ऐसे ही काम करते रहो। तो हम लोग अभी जो है लिफ्ट से उतर के आ चुके हैं और ये है यहाँ का मेन गेट, तो इसके ऊपर चलते हैं और वहाँ पे आपको दिखाते हैं। जल्दी ना ले भी देते। बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइस अभी हम लोग जो है विश्व शांति स्तूप से घूम के आ चुके हैं, तो हम लोगों का टाइम भी हो चुका है, 3 बजने वाला है, तो चलिए चलते हैं अंदर। तो गाइस यही वो गाड़ी है जिससे हम लोग जाएंगे नेचर सफारी के पास, तो चलिए हम लोग गाड़ी के अंदर बैठते हैं और फिर चलते हैं। तो गाड़ी आपको यहाँ पे उतार देगी और यहाँ पे आपको जो है नेचर सफारी के लिए आपको टिकट मिल जाएगी, तो यहाँ से आपको सामने से टिकट लेना है और इसी से आपको एंटर करना है और उसके बाद आपको ग्लास ब्रिज पे आपको जाना है और वहाँ से भी आप अंदर में बहुत सारे जगहों पे जा सकते हैं। वीडियो बनाने का पैसा है, चलो। तो हम लोग अभी चल रहे सस्पेंशन ब्रिज की तरफ, सॉरी ग्लास ब्रिज की तरफ अभी जा रहे हैं। वाह क्या बात है, गजब का फीलिंग, क्या बात है, लुक एट दिस, ओ भाई साहब खतरनाक हो भाई, सही में साला जी तो नीचे तक चल रही। तो अभी हम लोग ग्लास ब्रिज से आ चुके हैं और जा रहे सस्पेंशन ब्रिज की तरफ और यहाँ छोटे छोटे जो भी चीज़ें सबके लिए अलग अलग चार्ज है, 10 रुपये जैसे सस्पेंशन ब्रिज के लिए और अदर जो भी चीज़ें बहुत सारा है जो कि लिस्ट में आपको दिखा देंगे, उसका अलग अलग प्राइस है ना। तो अभी हम लोग जा रहे सस्पेंशन ब्रिज की तरफ और रास्ता कुछ इस तरह से है, आप देख सकते हैं, बहुत मजा भी आ रहा है हम लोगों को। दीपक बहुत ही मजा आ रहा है तुमको, क्या बात है। जंगल से जाते हुए हम लोग पूरा के पूरा टीम सस्पेंशन ब्रिज की तरफ, अच्छा उस पर चढ़ा जाता है कि सिर्फ देखा ही जाता है भाई, दोनों जाता है, ठीक है।
तुमको लग रहा है इतना आदमी पागल है कि घूम रहा है। और नीचे भाई खाई, नीचे खाई खतरनाक वाली। तो ये शर्मा जी जा रहे हैं सस्पेंशन ब्रिज देखने की ओर, तो बढ़िया और अच्छी बात है कि घूमना अपने जिंदगी की बारे में कुछ ना कुछ है। और ये हमारे मिट्ठू जी हाय, जो कि छिछोड़े फिल्म की क्या बोलते हैं, बहुत मजा आ रहा है लिटरली। तुम लोगों का मजा आ रहा है सबको, सचिन तुमको बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, सचिन को दिखाओ बहुत मजा आ रहा है, इसके चेहरे बता रहा है अभी हम सोए नहीं अब रात भर, इसलिए इस सस्पेंशन ब्रिज और इस ग्लास ब्रिज के लिए रात भर कोई नहीं सोया भाई। तो हम लोग अभी सस्पेंशन ब्रिज के नज़दीक पहुंचने वाले हैं। ये रहा सस्पेंशन ब्रिज, बस आपको करीब से दिखाने की दूरी है। तो अभी हम लोग फाइनली सस्पेंशन ब्रिज के ऊपर जा रहे हैं और ये मजे आते हुए, सच में मजा आ रहा भाई, झूल रहा है मजा दारू पी ले, दारू पी ले ना मुझे जी देखे भाई बड़ा सूट उसके फटे भाई सस्पेंशन है भाई, झूला भाई ला झूली लाई बना ली है भाई, बस सूट सके छ बैठ सके छ मुंह तरह सके छ लेकिन भाई सस्पेंशन ब्रिज पे हम लोग अभी सोए हुए हैं और इधर ये सब फोटो खींचने के चक्कर में लगा हुआ है। सो गाइस हम लोग फाइनली सारा चीज घूम करके आ चुके हैं और अब जो है घर निकलने की बारी है, थोड़ा सा गला फंसने लगा है। तो आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया, ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा, और क्या कीजिएगा, शेयर नहीं कीजिएगा शेयर भी कर दीजिएगा। ओके ओके, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।